खरीदारी का कॉल है या बिकवाली का? खरीदारी का, और इसका क्लू है आपने दिया अभी, इसको वेदांता को देखते मेरा मूड बन गया कि अब इसको बाय कॉल दे देना चाहिए यहाँ से भी। स्टॉक ऑफ द डे के बाद आज के 2000 के लिए भी ये क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो 643 पर माफ कीजिएगा 243 पर एंट्री करनी है और 248 का टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रहेगा एफएनओ ट्रेडर्स के लिए, वो 238 का ही होगा, थोड़ा दूर तो रहेगा, लेकिन लगता है कि स्टॉक भागने को तैयार है। वेदांता पे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है मेरा। तो कुणाल जी ठीक है क्या लेवल या थोड़े आपको बदलने कुछ? देखिए हालांकि तो मेरा स्टॉप लॉस दूर है तो ये 2000 वालों के लिए रिस्की मामला है। नहीं जी, मैं तो एक रुपया और नीचे स्टॉप लॉस रखने की बात कहूंगा, 237 पर रखिए स्टॉप लॉस। अच्छा, 237 फ्यूचर्स। टारगेट देखिए 248 पहला टारगेट होना चाहिए अनिल जी, 248 पार हुआ तो मुझे लगता है 255 तक की एक रैली बनेगी। हाँ, तो इसमें है ना, ये एफएनओ ट्रेडर्स के लिए, वो छोटे ट्रेडर्स के लिए नहीं है जनरली, आमतौर पर आज का 2000 छोटे ट्रेडर्स के लिए ही, आपके लिए नहीं है क्योंकि इसमें आएंगे भी ज़्यादा जाएंगे भी ज़्यादा तो क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है आज के मार्केट में, स्टॉप लॉस दूर ही आ रहा है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, तो ये थोड़ी सी रिस्क है। तो उस हिसाब से 248 के टारगेट के लिए आपको वेदांता खरीद लेना चाहिए। स्टॉक दिन के ऊपरी स्तर पर कर रहा है ट्रेड, अब 243 के आसपास था जब बिगुल आपने बचवाया, 200 का तो मूव आ चुका है। बीटीएसटी चार्ट कॉर्नर, तो एक स्टॉक जो आ रहा है राकेश जी कुणाल जी के रडार पर चार्ट कॉर्नर के तौर पर।